हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद फन। फ्रेंड्स, आज मैं सेवैया की खीर बनाने जा रही हूँ, तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, इसमें मैंने तेल को भी रख लिया है गर्म होने के लिए। आप चाहें तो तेल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम पहले ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने काजू और ये पिस्ता लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें मैं अभी ड्राई फ्रूट्स को डाल दूंगी। इसको अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लिया है। अभी मैं सेम कढ़ाई में सेवैया को भी फ्राई कर लूंगी। देखिए, सेवैया को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तेल को मैं गर्म होने दूंगी। तेल में मैं अभी करीबन 2 चम्मच शक्कर का डाल दूंगी। तो इसको मैं अभी मेल्ट कर लूंगी। मैं इसलिए ये प्रोसेस कर रही हूँ जिससे हमारे खीर में एक अच्छा सा कलर आएगा, जो जिसमें हम मिल्क मेड हो गया या मावा हो गया उसको डालकर हमारा कलर आता है, पर इससे हम सिर्फ खीर मतलब दूध डालकर ही अच्छा सा कलर ला सकते हैं। देखिए, इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। देखिए, इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। इसमें हम अभी दूध डाल देंगे। देखिए, हमारा दूध में कितना अच्छा सा कलर आ गया है। दूध को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, दूध हमारा उबलना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने इलायची लिया है जिसको मैंने कूट लिया है, अभी डाल दूंगी। अभी हम सेवैया को दूध में डाल देंगे। तो अच्छी तरह से सेवैया को दूध के साथ मिलाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। सेवैया को पकते हुए 10 मिनट हो गया है, तो देख लेते हैं हमारा सेवैया अच्छे से पका है या नहीं पका है। यहाँ से टूट रहा है, इसका मतलब हमारा सेवैया अच्छी तरह से पक गया है। इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसमें मैं अभी शक्कर डाल दूंगी। देखिए, अच्छी तरह से मिला लेंगे। शक्कर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। इसमें मैं अभी ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। इसमें इसे 1 और 2 मिनट ही ऐसे ही बैठा लेना है। आपने देखा, खीर में मैंने कोई भी कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया है, मावा का यूज़ नहीं किया है, पर हमारा खीर कितना अच्छा कलर आ गया है। देखिए, हमारा सेवैया भी बनके तैयार है। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, हमारा सेवैया खीर बनके तैयार है। आपने देखा, मैंने यहाँ पर
कोई कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया है, फिर भी हमारा खीर का कलर कितना अच्छा आया है। और मैंने ट्राई किया है इसे, मतलब खीर को कम से कम चीज़ों में बनाने के लिए। आप इसको घर पर ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। थैंक यू।